यार मतलब काफी ठीक है टेस्ट में, मतलब वैसे तो अभी फ्लू तो आ रहा है तो वो बताते हैं कि आप कैसा है, बाकी ये भी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, आओ तो ये भी ट्राई करना है, और कुल्ली फ्लू में तो फेमस है ही, तो वो जरूर ट्राई करना। तो भाइयों मोहित यहाँ कुल्फी फलूदा टेस्ट कर रहा है, काफ़ी देर में मात्र 15-20 मिनट के बाद इन्होंने हमारा ऑर्डर ला के दिया है। तो कैसा है भाई खाने में? चलो बढ़िया बता रहा है भाई, तो चलो हम भी खाते हैं भाई, नहीं तो खेच जाएगा, सारी मीठे का बहुत शौकीन है ये। हाँ तो अभी अपनी कोचिंग पे जा रहे हैं, आप ये सिग्नेचर ब्रिज का आनंद लीजिए इतने, और हम कोचिंग पे पहुँचते हैं अपनी इतने। तो भाई ये ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ पे जीटी नगर का रूट स्टार्ट होता है यहाँ से, मतलब लगभग हमारा 300-400 मीटर पे हमारा कोचिंग सेंटर। यहाँ पे आप देखेंगे ना आपको हर प्रकार के कोचिंग सेंटर मिलेंगे, बैंक वगैरह की या IAS IPS IFS किसी चीज़ की भी ट्रेनिंग लेनी हो ना, यहाँ पे हर चीज़ का कोचिंग सेंटर है। अभी मेरे को एक नई बात पता लगी थी, यहाँ पे मेट्रो से केवल जो सफ़र करते हैं बच्चे 3.5 लाख बच्चे डेली आते हैं। अब कोरोना टाइम में तो इतने नहीं आ रहे होंगे, लेकिन पहले आते थे इतने बच्चे। ये देखता हूँ मैं कोचिंग सेंटर और फिर मिलते हैं, बस आ ही गया है ये लाइट के बाद ही अपना राइट मुड़ते ही अपना कोचिंग सेंटर है। मैं तो यहाँ पे एम्बिशन पे आया था, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ना स्टडी का हब माना जाता है एम्बिशन, एम्बिशन के आसपास के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं दिल्ली का, ये हब माना जाता है ये जगह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चलते हुए अपना कोचिंग सेंटर से बाहर निकल के, फिर मैं मिलूँगा आपसे कि क्या रहा एक्सपीरियंस और क्या हम लेंगे या नहीं लेंगे कोचिंग, सभी चीज़ें आपको बताऊँगा। आप अभी कोचिंग का तो हो गया है पता, अभी ये नितिन आया है और नितिन को लग रही है भूख, तो नितिन क्या खींच रहा है भाई? आलू से। तो ये ऐसा कुछ है, तो वैसे आज हम यार सोचा है कि चंडीगढ़ के लिए भी निकलेंगे, बहुत दिन हो गए दिल्ली के अंदर, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही।